सारे दर्शकों ने मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच, मैं तुहाडी होस्ट आशमीता। सारियां नूं इस प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे हां। एक बहुत ही मैं कहांगी हार्ट ब्रेकिंग जिहा टॉपिक तुहाडे नाल अज लैके आए हैं, बट इहदे विच भी होपफुली एक पॉजिटिव चीज़ मैं तुहाडे नाल शेयर कर सकदी हां। बट उस तो पहले कुछ न्यूज़ अपडेट्स। वड्डी जो न्यूज़ दी अज खबर यूनाइटेड स्टेट्स दे विच कुछ घंटियां पहले ही अनाउंस हुई है। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर प्रेजिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड उस तो पहले प्रेजिडेंट जेरल्ड आर फोर्ड, Donald Rumsfeld passed away today. Unna di aj death hui hai. He was 88 years old. Shayad tusi Donald Rumsfeld da na sunya hona hai, khas karke George W. Bush di tenure de vich jithe Iraq war di gal aandi hai, utthe Donald Rumsfeld nu ek kisam da architect डिस्क्राइब किया सी इस वॉर नू लैके। बट डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने सिर्फ जॉर्ज डब्ल्यू बुश दे टाइम अपना नाम नहीं बनाया जो उन्होंने सैक्रटरी ऑफ डिफेंस से। डोनाल्ड रम्सफेल्ड वॉज द ओनली सैक्रटरी ऑफ डिफेंस जिन्होंने दो वखरे प्रेजिडेंट्स लिए ये पोजिशन सर्व की। तो जेरल्ड आर फोर्ड लिए जो उन्होंने चुनिया गया सी उस टाइम वो सब तो यंगेस्ट सैक्रटरी ऑफ डिफेंस से। जो वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम के आए ही वॉज द oldest. Donald Rumsfeld नू लैके काफ़ी मिक्सड ओपिनियन लोगों के हैगे। अखीर एंड तक उन्हां दे वल्लों कोई रिग्रैट कोई गिला शिकवा नहीं सुनने नू मिलिया इराक वॉर नू लैके, जिहदे यू नो खास करके यूनाइटेड स्टेट्स दे विच इराक वॉर नू लैके लोकी लार्जली ये मनदे है कि ये बहुत वड्डी गलती सीगी। इस वॉर दे विच $700 billion US dollars लगे ते 4400 American lives जाना गई सोल्जर्स दी साड़ियाँ। एंड जदों यू नो डोनाल्ड रम्सफेल्ड नू पूछया गया कि तुसी सहमति रखते हो कि भावें सदाम हुसैन ते इराक दे विच वैपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिले सी कि ये वॉर जायज़ सीगी, ते डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा कि हाँ ये वॉर बिल्कुल जायज़ सीगी। एंड उन्होंने इस चीज़ तो तुसी कह लो थोड़ा जा डाइवर्जन कर लिया, इग्नोर किया इस चीज़ नू कि इराक वॉर करके जो रिसोर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स दी मिलिटरी रिसोर्स सीगे जो शायद अफगानिस्तान विच लगने सीगे वो नहीं लगे। इस कारण अफगानिस्तान दे विच तालिबान दी एक बहुत वड्डी रिसर्जेंस वेखण नू मिली उन्हीं कुछ सालों के अफगानिस्तान दे विच। ऑफ कोर्स अगर अपनी आप दी कम्यूनिटी दी आपां गल करदे हां, रिसेंटली किन्ने ज़्यादा अटैक्स होए सिख कम्यूनिटी ते उत्थे एक बारी फिर तालिबान दी रिसर्जेंस वेखण नू मिल रही है। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स दी फोर्सेस हुण एग्जिट कर रही हैं प्रेजिडेंट जो बाइडन दे हेठ। इनफैक्ट अज ही खबर निकली कि जलालाबाद एरिया दे विच एक सिख एरिया दे विच शहर दे विच एक होर बॉम्ब डेटनेट होया जिहदे करके दो सिख इंडिविजुअल्स इंजर्ड सीगे। सो ये डोनाल्ड रम्सफेल्ड दी लैगेसी सी। वंस अगैन आर्किटेक्ट ऑफ द इराक वॉर, दो बारी वो सैक्रटरी ऑफ डिफेंस रहे। अज उन्हां दी डेथ हो चुकी है। बट ये तो चलो यू नो नैशनल पॉलिटिक्स एंड जो साडी डे टू डे दी खबरां चलदियां रहंदियां। बट अज जो मैं टॉपिक तुहाडे लैके आई हाँ वो मैं कहांगी मेरे आप दे दिल दे बहुत करीब है, बिकॉज इस शो दे विच ऑफ कोर्स यू नो पोलिटिकल डिबेट न्यूज़ अपडेट्स ये सारी चीज़ां लगातार डिस्कस होंदियां। बट साडा हमेशा ये मकसद हुंदा है कि तुहानूं कोई इहो जी जानकारी दित्ती जाए जिहदे नाल कोई वैल्यू कोई पॉजिटिव चेंज आ सकदा होए, किसी दी लाइफ इंप्रूव होए या किसी नू कोई अवेयरनेस कोई फ़ायदा पहुँचाए। सो अज मैं तुहाडे नाल एक इहो जे गैस्ट नू मिलाना चाहती हाँ जो साडे कम्यूनिटी दे एक तुसी कह लो बहुत एक्टिव मैंबर भी हैं वख-वख संस्थावां दे नाल जिन्हां दा नां तुसी बहुत चंगी तरह जानते हो, उन्हां दे नाल जुड़े भी सीगे। बट अज वो सानू ज्वाइन कर रहे एक प्रोफेशनल कैपेसिटी दे विच नहीं बट एक परसनल कैपेसिटी दे विच सानू ज्वाइन कर रहे आप दा एक्सपीरियंस साडे नाल शेयर करन लई। ये एक्सपीरियंस वंस अगैन बहुत हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है, बट यदी गल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदी जानकारी यदी अवेयरनेस रेज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ Without any further ado, मैं आज दे गेस्ट नू स्वागत करना चाहूँगी। सानू ज्वाइन करें न्यूयॉर्क सिटी तो गुरजोत कौर। गुरजोत जी, थोड़ा प्रोग्राम दे विच स्वागत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुरजोत जी, इट्स सो गुड टू हैव यू। तुसी यूनाइटेड स्टेट्स दे विच इत्थे अपनी पंजाबी सिख कम्यूनिटी दा नाम बहुत रोशन कीता है। एज अ यू नो अ लॉयर, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, तुसी सिख कोलिशन दे नाल काम कीता है किन्ने सालां लई। एंड मोस्ट रिसेंटली तुसी न्यूयॉर्क सिटी दी कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स दे नाल जुड़े होए हो। बट गुरजोत, अज इन चीज़ों ते आपां गल नहीं करनी। गुरजोत, सब तो पहले तो tell us a little bit आप दे परिवार बारे सानू दसो। तुहाडी फैमिली विच कौन कौन हैगा? ठीक है अश्मीता, थैंक यू सो मच कि सानू मैनू अपॉर्चुनिटी देना। अज बहुत औखी गल दिया। मेरे को बच्चा हैगा, ओहदा नाम हैगा रियान। मेरा पहला बच्चा, ओहदा जन्म होया सीगा दिसंबर 2019। तो मेरा आदमी तो मैं साडा ब्याह होया सीगा मार्च 2019। सो साडा पहला बच्चा, असी बहुत खुश सीगे भी यू नो असी प्रैगनेंसी बहुत छेती हो गई सीगी। उस साल मेरे मम्मी डैडी साडी थोड़ी औखी सिचुएशन सीगी बिकॉज मेरे डैडी का बहुत जबरदस्त हार्ट अटैक होया सीगा 6 हफ्ते मेरे ब्याह तो पहला। तो उन्होंने एमरजेंसी सर्जरी हुई सी, पर वो ठीक हो गए। तो फिर असी कहा भी हुण साडा बच्चा हो गया, तो असी बहुत बहुत खुश से गए। पर हुण साडी बहुत जिहड़ी सारी चीज़ पेरेंट्स डरदे आ, सानू हुण हो गया। गुरजोत, तुहाडे इस यंग बेबी नू यू नो जन्म लेते हुए मसा साल भी नहीं होया होएगा। इस मार्च दे विच की तुहानू पता लग गया? हाँ जी। सो मैं थोड़ा पिछे जावा। जो मेरी प्रैगनेंसी हुई सी, कोई जो नॉर्मल प्रैगनेंसी सी, यू नो मैं पहले ट्राइमेस्टर थोड़ा उल्टियाँ आउंदियां सी, मॉर्निंग सिकनेस सारे नूं हुंदा, कोई बड़ी नहीं गल। फिर मैनूं जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई सी, वो भी कॉमन हैगा। पर मैं जो डाइट सोना कंट्रोल किया, एक्सरसाइज की, वो भी सारा कंट्रोल सीगा। फिर सानू एक महीना पहला इहदा बर्थ तो पहला कहण लग पे भी थोड़ा छोटा आया, पता नहीं क्यों छोटा आया। सो असी डर गए भी की होया, छोटा क्यों आ। फिर 2-3 दिन ये जन्म तो पहला कहें नहीं कोई नहीं हूँ ठीक आ। सो असी क्या ओके नहीं कोई नहीं, फिर प्रॉब्लम है नहीं। सो फिर वो जन्म हो गया सी, सब कुछ ठीक सीगा। पहला थोड़ा छोटा सी पर वो ठीक सीगा। उन्होंने सानू घर भेजिया, असी बहुत ज्यादा खुश सीगे। पर फिर 3 महीने मैं देखती सी जो माँ को पता होंगे भी जोड़े जो टॉयज होंगे फटता नहीं सीगा, तो मैनू अखा च नहीं देखता सी। तो मैं क्या भी ये की हो गई प्रॉब्लम। तो फिर सानू पता लग्या भी ये कैटरैक्ट्स हो गई सीगियां ये अखा च। तो फिर असी क्या भी ये छोटे बेबी नू किदा कैटरैक्ट्स बन सकता है, तो ओल्डर बुढ़िया पीपल नू कैटरैक्ट्स होंदे भी, बच्चे नू किदा हो गया। तो उस टाइम अश्मीता जो कोविड लॉकडाउन सारे सीगे, मार्च पिछले साल की गल आ। तो असी भी डरते सी, पर ये सर्जरियां हो गई। तो फिर थोड़ा डिलेड सीगा, जिदा बैठदा नहीं सीगा, सिर कंट्रोल थोड़ा औखा सी, यू नो इदा माइलस्टोन्स थोड़े पिछे सी। पर असी समझदे सीगे भी डिले हैगा बिकॉज इहदी अखां दी प्रॉब्लम सी, राइट। सो इहनूं दिसदा नहीं सीगा, तां डिले सीगे। पर फिर उन्होंने जेनेटिक टैसटिंग की, तो हुण पता लगा भी इहदी थोड़ी खानदानी दी बीमारी हो गई आ। असी एक कोई जेनेटिक डिजीज़ जिहड़ी असी ना कदी सुनिया ही नहीं, ना हैगा कॉकियन सिंड्रोम। वो असी मेरे जिदा मेरे हस्बैंड को एक कापी जो जीन थोड़ी खराब हो गई सी, तो मेरे को एक कापी सी। सो सानू अपनी फैमिलियां तो मिल गई, तो ये बच्चे नू मिल गया। ये भी जिदा बहुत रेयर चांस भी मिल गई। पर ये डिजीज़ रेयर आ, पर जिहड़ियां जेनेटिक डिजीज़ रेयर नहीं, जिदा ओवर 400 मिलियन पीपल दुनिया च को हैगी आ। सो ये डिजीज़ बहुत बहुत जबरदस्त आ। डॉक्टर सानू मार्च च दस्सिया, वो कहिंदे भी इन्हें शायद इहदी अखां देखण हट जाना, इहदा सुन हट जाना। तो बहुत पाठ सुनदा, मूल मंत्र गाने सुनदा, भी वो सारा शायद कभी तुरना नहीं, शायद कभी बोलना नहीं। तो ये कहिंदे भी ओहदी लाइफ 5 साल तो ज़्यादा शायद होनी नहीं, तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। वाओ गुरजोत, सब तो पहले तो आई एम सो सॉरी, लाइक ये गल सुननी साडे लई इन्नी औखी हो रही है। आई कैन इमेजिन तुसीं इस चीज़ नू जी रहे हो। इत्थे एक छोटे जी ब्रेक ले रुकदे आं। इस तरह साढ़े नाल जुड़े रहो व्यूअर्स, तुसी भी साढ़े नाल इस तरह जुड़े रहो, लाइव तुहाडे नाल हाजिर होए आ। तुसी भी कॉल करके इस टॉपिक दे विच अपना क्वेश्चनस कमेंट रख सकदे हो। मिलदे आ ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। अज आपां थोड़ा जिहा डिफरेंट प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं, बट मैं कहांगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम हैगा, बिकॉज एक मौका है कि साड़ी सारी कम्यूनिटी नू रल के साढ़े आप दे कम्यूनिटी दे मैंबर दी सपोर्ट करन दा मौका हैगा। तो इस चीज़ दे विच सानू ज्वाइन करे गुरजोत कौर। गुरजोत जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर स्वागत करदे आं। गुरजोत, तुहाडा बेबी रियान सिंह नू एक इहो जी रेयर बीमारी हुई है, जरा जिस तरह तुसीं सानू दस्या कोई उहदा क्योर नहीं, कोई उहदा हल नहीं हैगा। अज दी डेट दे विच भी ये सुन के कि एक निक्के जे बच्चे नू, वो भी आप दे बच्चे नू इदां दा कुछ हो सकदा है। यू नो ये जो बीमारी हैगी तुसीं कह रहे सी बहुत रेयर है, सो टेल अस अबाउट कि जदों तुहानू पता लग्या कि रियान नू ये हुई है, किस तरह का इंपैक्ट तुहाडे ते पिया, तुहाडे परिवार ते की तुसी किता उस वेले ट्रीटमेंट दे पक्ष तो? जदों सानू पता लगा, मैंने कभी दिन चेता भुलना नहीं, फ्राइडे सीगा दुपहरे, डॉक्टर ने सानू फोन वीडियो चैट च दस्सिया सीगा। असीं तां सारी रात सुत्ते नहीं, उल्टियां कीतियां, जिदों कितना भी कोई रह सकदा इदां दा न्यूज़ बहुत औखा है न्यूज़। पर उस रात मैं उठ गई तो मैं क्या भी कुछ होना चाहिए, भी असी उसकी एक्सैप्ट नहीं करना भी कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो असी उसकी बैठ के कुछ नहीं करना। सो मैं रिसर्चरस में सारे ईमेल भेजना पी, तो ओवर टाइम मैं अपॉइंटमेंट बनाई जूम च। मैं कहती मैं डिजीज़ समझा भी क्यों होंगी आ, भी की उन्होंने स्टडी किया, भी की है ट्रीटमेंट ऑप्शनस। तो फिर असी मैं क्या भी मैं असी लोगों ने स्टोरी शेयर करिए, शायद होर कोई लोग है जेडे सानू थोड़ी हेल्प दे सकते हैं। तो फिर असी शेयर किते, तो मैं पूरा याद है एक बंदा सीगा, वो सन को भी बहुत रेयर डिजीज आ, डिफरेंट डिजीज आना है सनत। तो उन्हें मैंने मैसेज भेजा तो कहता गुरजोत भी ये सिचुएशन हैल्पलैस नहीं, तू कुछ कर सकती हाँ। सो फिर असी होर ऑर्गेनाइजेशन गल किते, फिर डॉक्टर ने गल किते, तो फिर मैनू भी पता लग गया भी एक ट्रीटमेंट हैगी, उसका नाम है जीन थेरेपी। बहुत हम साइंस बहुत एडवांस्ड हो गया, सो वो नमी जीन ते शरीर च पा सकते, फिक्स कर सकते जिहड़ी जीन खराब आ। पर जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी अश्मिता इस जे कोई डिजीज रेयर आ, पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बना सकते, सो उसकी ट्रीटमेंट है नहीं। इहदा तां नहीं मतलब कि ट्रीटमेंट बना नहीं सकते, इहदा मतलब किसी ने कोई पैसे नहीं पाए बनाउण लई। तो इस जिहड़ी डिजीज लई कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जिहड़ी पुश करदे भी ट्रीटमेंट बनाउण, सो असी क्या भी कुछ सानू करना पैना। सो असी रियान रिसर्च इनिशिएटिव फाउंड किया भी असी ये पुश करना भी ये ट्रीटमेंट इहदी बनो। तो असी फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ने काम करते हैं, असी एक्चुअली वो टॉप जीन थेरेपी सेंटर हैगी दुनिया च, वन ऑफ द टॉप। एंड असी उन्होंने बहुत गल की, रियान ने उन्होंने मिलिया, असी उत्थे मैसाचुसेट्स गए, सारी गल की। तो उन्होंने हुण शुरू कर देना प्रोग्राम, 2-3 साल लगने बनाउण, तो पैसे लगने आ, पर सानू पैसे देने पैने बिकॉज ये प्राइवेट फंडिंग तो कम चलता। सो तां असी ये बनाया ऑर्गेनाइजेशन भी असी पैसे बना सकते हैं। तो कल्ली रियान लई नहीं ट्रीटमेंट, होर भी असी बच्चे है जिहदी डिजीज आ। एक्चुअली अज टुडे मैनू टैक्सट मैसेज मिलिया, एक मेरी डॉक्टर फ्रेंड आ, वो हुणी फ्रेंड बनी, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਟਵਿਨਸ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆਂਦੀ ਕਾਕੇਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਉਹ 2.5 years old ਆ, ਉਹ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, बिकॉज जे संगत ने असी सारे टुगैदर ये ट्रीटमेंट बना सकते, तो बच्चे को हैल्प कर सकते, शायद चांस हैगा कि यदि लाइफ सेव तो होर बच्चों की जान सेव हो सकती। जी जी गुरजोत जी, दिस इज़ यू नो वंस अगैन सो किन्नी ये मैं कहांगी इट्स such an applaudable मैं थे आई एम सो जिदा कहते ना मूव्ड कि तुसी इन्ने औखे समय दे विच भी हार नहीं मंगी। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਆਨ ਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, किस तरह ਤੁਹਾਡੀ डे टू डे लाइफ चेंज हुई है जो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया है, लाइक मार्च तो पहले ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ डे टू डे ਸੀਗੀ ਤੇ मार्च तो बाद किस तरह ਦਾ चेंज आया पर्सनल तौर ਤੇ? सो मार्च तो ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਰਿਆਨ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਔਖਾ ਆ, ਔਖਾ ਪਰ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। अब सारियां बहुत सोचना जिन्ना गल करो बहुत खुश रहता, तुम आप देखो जो अपनी नानी नाना ना सारिया ना जो बहुत मिलता, बहुत एदा जो गुड बॉय है, ही इज अ वेरी गुड बॉय एक्चुअली, ही इज राइट हियर इफ यू वांट टू। रियान कम हियर। वाह जी वाह, ससिकाल रियान सिंह, की हाल है, की हाल है निकू? हाँ जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हाँ जी किदा, ही इज सो क्यूट, ओह माय गॉश। गुरजोत, दिस इज वंस अगेन दिस इज़ अ वेरी, मैं कहूँगी ना, अ टफ शो, बिकॉज साढ़े सारियां दे अगर दिल दी कोई भी दुख दी रग हुंदी है वो साढ़े बच्चे हुंदे है, एंड बच्चों नू कुछ भी होए वो भी इन्नी छोटी उम्र दे विच बर्दाश्त करना, तुहाडी मैं दात दिंदी हाँ कि किस तरह तुसी इस चीज़ नू मैनेज कर रहे हो, एंड ना कि सिर्फ मैनेज कर रहे हो बट तुसी लड़ रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, ना कि सिर्फ आप दे लई रियान लई बट ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਜੋਤ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਮੋਰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਨੈਕਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कौन नहीं सपोर्ट करना चाहोगे, सो आई वांट टू नो व्हाट वर्क इज़ बीइंग डन एंड किस तरह लोग तुहानू सपोर्ट कर सकते। एक होर छोटी जी ब्रेक लई सानू इत्थे रुकना पै रहा। गुरजोत कौर, इस तरह साडे नाल जुड़े रहो, व्यूअर्स तुसीं भी जुड़े रहो, लाइव तुहाडे नाल हाजिर होया, मिलदे आ ब्रेक तो उस पार। साढ़े गेस्ट भी साढ़े जुड़े हैं न्यूयॉर्क सिटी तो सानू ज्वाइन करे गुरजोत कौर। गुरजोत जी, एक बारी फिर प्रोग्राम दे विच तुहानू स्वागत करते हैं। गुरजोत जी, तुसी रिसेंटली एक फाउंडेशन शुरू की है रियान रिसर्च इनिशिएटिव, आप दे छोटे बेटे दी जेनेटिक डिजीज़ करके जेदा शायद क्योर हो भी सकदा सीगा बट क्योंकि इस एरिया दे विच रिसर्च नहीं हुई, ओदे च फंडिंग नहीं पाई गई तो ओदा कदी हल नहीं लभ्या, ते हुण तुहाडे 1.5 साल दे बच्चे दी जान मतलब खतरे च हैगी। गुरजोत जी, जस्ट अगर आप थोड़ा जा होर साइंस वाले पासे डिस्कस करिए, बिकॉज तुहाडी फाउंडेशन काम कर रही है विद सम ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस दुनिया दे विच जो इस पासे रिसर्च करते हैं, जिथे जेनेटिक डिजीज़ की गल आती है, राइट? ये चीज़ अज की डेट दे विच खास करके अपने सिख कम्यूनिटी दे विच या कम्यूनिटीज़ ऑफ कलर उन्हां दे विच इन्हां दी ज़्यादा समझ ज़्यादा जानकारी नहीं पाई जाती। वाई डू यू थिंक दैट इज़? बिकॉज जेनेटिक टेस्टिंग एवरेज अमेरिकन लई तां हुण इट्स सो कॉमन, भावें 23andMe होए या एंसेस्ट्री वख-वख कारना करके वो जरूर करते, बट जो ये जेनेटिक टेस्टिंग का हुण आइडिया बन गया एवरेज अमेरिकन लिए काफ़ी कॉमन है बट साडी कम्यूनिटीज़ दे विच इन्ना नहीं वेखण नूं मिलदा। वाई डू यू थिंक? Yeah, I think also ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਈ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ कोई म्यूटेटेड साढ़े को 20,000 जीन्स आ साढ़े शरीर च राइट तो सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जब असी मैं हूँ कैरियर आई डिजीज की पर मेरे को ही कोई फर्क पैंदा बिकॉज मैं कल एक कापी आ जो दोनों पेरेंट्स तो कापी मिलती जो साढ़े केस च फिर प्रॉब्लम होंगी आ। तो ऑल्सो यू नो अश्मिता ये जी असी जेनेटिक टैसटिंग की सी जो मैं प्रैगनेंट सी पर यह डिजीज इन्नी रेयर आ बिकॉज 7,000 डिजीजिज आ वो सारे नहीं टैसट करते बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करते सो जो कॉमन करते टैसट ये भी टैसट नहीं किया सो सू फिर बाद पता लगा असी तो हैरान से बिकॉज सानू असी समझते सी कि सब कुछ ठीक सगा सानू पता नहीं सगा कि होर कोई डिजीज़ होर कोई बीमारी हैगियां जिहड़ी टेस्ट करदे जी। सो दैट्स आई थिंक जिस हुण सासी आल्सो होप करदे भी लोकां नू साडी स्टोरी शेयर कर सकदे सो वो भी थोड़ा आप जिदा डॉक्टर नू पुछ सकदे जेनेटिक टेस्टिंग भी पुछ सकदे थोड़ी अवेयरनेस भी बनानी है ये भी साडा जी जी। वंस अगेन रियान सिंह दी पिक्चरां देख के यू नो such a cute kid जो ये जेनेटिक रिसर्च हुन हो रही है राइट सो तुसी सानू दस रहे सी इस पासे रिसर्च हैगी बट इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी सो जदों तुसी इस जर्नी ते यू नो तुहाडी ये जर्नी शुरू हुई किन्ना क तुहानू पता लगे किन्नी क रिसर्च हुई है एंड क्यों जेनेटिक टेस्टिंग वल यू नो वंस अगैन एक रेयर डिजीज़ करके ये इशू हैगा बट इट सीम्स कि जदों एक निक्के जे बच्चे नू तुसी कहो कि ओहदी लाइफ एक्सपैक्टेंसी इफेक्ट होएगी कि यू नो जिस तरह तुसीं सानू दस रहे सी कि रियान नू डॉक्टरां ने 5 साल की एक्सपैक्टेंसी दी है यू नो वाई हैजंट देयर बीन मोर मनी पुट इनटू दिस इज इट जस्ट कि इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज दे वल्लों कुछ ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट लिता गया वाई डू यू थिंक? या दैट्स एग्जैक्टली इट जिहड़े बच्चियां दे डिजीज़ेस आ यू नो जिदा मैं क्या रेयर डिजीजेस जो सारे टुगेदर देखो कॉमन आ पर इंडिविजुअली यू नो कई डिजीजेस 1000 लोग इम्पैक्टेड कई 2-3-4-300-400 सो उन्होंने कमर्शियल इंटरेस्ट है नहीं सो ये पेरेंट्स ग्रुप्स को पुश करना पैंदा ये बहुत जिदा आई थिंक अभी थोड़ा गलत सिस्टम है ना बिकॉज ये बच्चे की बीमारी आ यू नो जिदा असी देखिया जिदा कोविड वैक्सीन सारे रिसर्चर्स ने गवर्नमेंट्स ने बहुत पैसे बनाए पैसे पाए तो उन्होंने छेती वैक्सीन बनाते राइट कि बच्चों की बीमारी भी एक सेम थिंग हो सकती कैंसर आ जेनेटिक डिजीज आ पैसे पा सकते तो बहुत जो रिसर्चर्स इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते वो भी प्रॉब्लम हैगी ना जिदा रिसर्चर्स सारे गल नहीं करते सो जो असी फॉर इंस्टेंस साडा फाउंडेशन ने किया जिहड़े इस कॉकेन सिंड्रोम के बीमारी के एक्सपर्ट आ असी उन्होंने जिन्होंने जीन थैरेपी बनानी दवाई असी उन्होंने नाल बनाया टू मीटिंग कराई आ सो उन्होंने हुण इंफॉर्मेशन शेयर करते आ ते नाल हुण काम करते आ कि इहदी ट्रीटमेंट बन गए पर जिद्दां मैं कहा भी इहदे और ट्रीटमेंट बनाने लिए टैसट करना पैंदा भी मेक श्योर भी छोटे जानवर काम करती है भी बच्चों की सेफ आ FDA की अप्रूवल लैनी पैनी तो वो जी प्रोसेस आ तो पैसे भी लगते हैं रिसर्च तो यू नो ओवर इट्स गोना कॉस्ट अ फ्यू $1 million पर असी डोनेशन we're trying to raise $1 million by the end of the year by Riyaan's second birthday so as that we hope abhi jinna sheti asi fund kar sakde onna sheti research ho sakda to onni sheti inu clinical trial ch inu dawai mil sakdi so these are so you know tusi kind of mera question answer kita that what are some of the things tell us more ke jadon to tusi initiative shuru kita hai you're working with the institutions tusi jo is disease da expert hai ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पैनल ते लैके आयो what else have you done because it's only been like ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ कुछ महीने हुए है इस चीज़ ਨੂੰ शुरू किते हुए it seems like ਤੁਸੀਂ काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर लिया what else has been done इस इनिशिएटिव राही so far? Yeah I mean जिदा मैं क्या सी पहली बारी इस बीमारी च कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन बनाऊंगा दिस इज द फर्स्ट टाइम राइट सो कोई कभी दुनिया च इस रियान दी डिजीज दी किसी ने कभी नहीं ट्रीटमेंट बनाई सो ये पहला प्रोग्राम हैगा। सो असी होर भी जिहड़े बच्चों में इंपैक्टेड असी उन्हां नूं भी दसदे हैं, होर जिहड़े पेरेंट्स ने वो भी असी ये रिसर्च काम शुरू किया, सो उन्हां नूं भी थोड़ी अवेयरनेस पता हो जाए। असी जिहड़ी सारी साइंटिस्ट कम्यूनिटी नाल गल करदे, सो फॉर एग्जाम्पल साडा इनिशिएटिव च साडे कोल साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड हैगा। सो जिहड़े जीन कई जीन थेरेपिस्ट डॉक्टर्स जिहड़े कोल एक्सपीरियंस आ वो सानूं एडवाइस दिंदे आ। सो जदों सानूं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलदियां वो कहते भी जो गुड प्लान आ जो नहीं गुड प्लान आ, बिकॉज यू नो मैं डॉक्टर नहीं मैं वकील, राइट? सो वी हैव अ पूरा सिस्टम जो इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन टू मेक श्योर भी असी जो बेस्ट ट्रीटमेंट पैथ पिक करते हैं दैट इज होपफुली गोइंग टू हेल्प रियान एंड मेनी अदर चिल्ड्रन। सो ये साडा भी गोल आ भी जिन्ना असी पुश कर सकते जिन्ना असी समझ सकते असी यदि जान सेव कर सकते हैं। जी जी, वंडरफुल। सो वंस अगैन रियान रिसर्च इनिशिएटिव ये तुहाडी संस्था का तुसी नाम रखिया है आफ्टर रियान सिंह, तुहाडा बेबी, एंड यू नो योर गोल इज़ टू रेज मनी ताकि इस रेयर डिजीज़ का कोई हल लभ्या जाए। तुहाडे कोल समा ज़्यादा नहीं है, मैं एक बार फिर व्यूज़ दसना चाहती हाँ rianresearch.org ते जाके होर जानकारी पा सकते हो। आई थिंक तुहाडी ईमेल भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है jo@rianresearch.org। सो वंस अगैन यू नो कदी कवार इहो जिहा टाइम आंदा है कि सानू एक यू नो कम्यूनिटी तो उम्मीद करनी चाहिए कि यस वो साडे नाल खड़ के साडी हैल्प करनगे। सो फार कम्यूनिटी ने तुहाडे नाल किस तरह उन्होंने हैल्प की है? हैव यू गायन पॉजिटिव सपोर्ट? तुहानू किस तरह का रिएक्शन होया है उन्होंने दे नाल जिन्हां दे नाल तुसी क्लोजली कनैक्टेड हो? या साडी कम्यूनिटी ने बहुत सारा सपोर्ट किया। यू नो बहुत लोग मैं एक्चुअली सारे जिदा सोशल मीडिया च बहुत लोग कहते भी असी बहुत रियान दे पाठ करते हाँ। तो असी सो फार सिंस असी इनिशिएटिव लॉन्च किया साडा अबाउट $23,000 रेज किया, पर साडा गोल हैगा 1 मिलियन। सो डोनेशंस हैगी टैक्स डिडक्टेबल, सो दैट सो यू नो इफ जो लोग जा सकते जो साडे नाल सपोर्ट करनी आ द बेस्ट वे टू डू इट इज टू डोनेट। बिकॉज मैं उदा सीधी गल करा जे असी पैसे नहीं रेज किते प्रोग्राम होना नहीं, बिकॉज कोई ग्रैंट है नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं पैसे लैन। ये साडी कम्यूनिटी तो थोड़ा काम चलना जी जी जी। वंस अगैन यू नो यू आर तुसी ये जो कदम चुक्या है ऑफकोर्स तुहानू आपनू पर्सनली बहुत डीपली ये अफेक्ट करता है, बट एदा जो नतीजा होएगा इस रिसर्च का, इस फंडिंग का, इस प्रोग्राम का, वो चीज़ किन्ने बच्चों नू किन्ने परिवारां नू बचा सकती है। इस चीज़ नू मैं एक बार फिर स्ट्रैस करना चाहती हाँ कि इस बीमारी का हल निकल सकता है अगर वो रिसर्च ते थोड़ा जा पैसा आप पाइए। तो यू नो $1 million ऑफकोर्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी, बट साडी कम्यूनिटी ने कितनी तरक्की की है, कितने वैल एस्टैबलिश्ड मैंबर्स हैं कम्यूनिटी के जिन्हां लई एक ऑपरचुनिटी है। आई थिंक कोई चंगे काम वाल अपने पैसे नूं पाउण लई यू नो वंस अगैन गुरजोत तुहानू देख के सच्ची लगता है कि यस तुसी चढ़दी कला च हैगे। आई डोंट नो हाउ यू डूइंग इट। आई थिंक कुछ कॉलर्स भी तुहाडे नाल गल करना चाहते हैं। सत श्री अकाल, तुसी ऑन एयर हो। हाँ, सत श्री अकाल सुमिता जी, मैं डॉक्टर हरमान सिंह सराओं बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल डॉक्टर सराओं, तुहाडा स्वागत प्रोग्राम दे विच। हाँ जी दसो। थैंक यू। आई हैव फुल सिंपथी एंड एम्पैथी फॉर रायन सिंह। आई विश हिम वेल। One thing maybe you have explored already, there's a program called GoFundMe. There was a child in Canada. They raised about $3 million in about a month's time. Wow! Wow! It was similarly some genetic disease. As you know, my background is in genetics. If I could be any help, please give Gurjot Kaur my number. And I'll be glad to help any way I can. Dr. Sarao, I'm so glad you called. Yes, your background is in genetics and main ਤੁਹਾਡੀ contact ਜ਼ਰੂਰ Gurjot ji ਨਾਲ share karangi. Dr. Sarao, timeline wise, you know, you think that this is, there is some good news here ki agar is passe thoda ja paisa pa ke research hundi hai, that we can quickly come to some good results? Yes, of course, you have to try at least. Ji. Genetic engineering is a developing field. You know, they can create genes in the test tube. You know, Dr. Hargobind Khurana, who won a Nobel Prize, he was the first human being who created gene in the test tube. He won a Nobel Prize on it. So since then, a lot of work has been done. I'm particularly interested in it. So there is a hope, and let's try. And do the best we can. So that's what we should do. Fund-wise, please try that GoFundMe program. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much, Dr. Sarao. Thaudi contact information जरूर मैं share कर दांगी. Thank you for calling in. Gurjot, I think you guys, you did mention कि तुसी थोड़ा जा पैसा already raise किता है, right? So is this through GoFundMe or something different? No, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ GoFundMe ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 40000 ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ 100% ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਆ। ਇਹ 23000 ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ ਅਪਰੂਵਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕਿਊਲਰ ਐਟ੍ਰੋਫੀ। ਉਹਨੇ 2011 ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਸ ਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਰਿਆਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। Gurjot, if you don't mind sharing, ਤੁਹਾਡੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸਿਸਟਮ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਸੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? So Riaan ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਐਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਲਸੋ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਨ ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਰਾਈਟ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਾਸਟ ਬਟ ਦੇ ਡੂ ਐਡ ਅਪ ਯੂ ਨੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ a lot of appointments because ਇਹ ਜਿਹੜੀ disease ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ liver kidney heart brain ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ specialist ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। And you know, once again ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਟ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੰਸ ਅਗੈਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਟ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? So ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਦੈਟ ਵੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੋ ਦੈਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਐਡਸ ਅਪ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ as the years progress we will find out how much जी जी आई एम यू नो ए तो पुछते हुए भी मैनू मतलब डर जा महसूस हो रहा है बट की डॉक्टर्स तुहानू या एक्सपर्ट्स या जो तुसी रिसर्च आप दी कीती है की ये सारी चीज़ां तुहानू दस दियां कि आने वाले समय दे विच कुछ महीनों दे विच कुछ सालों दे विच रियान दी कंडीशन किस तरह प्रोग्रेस होएगी किस तरह चेंज होएगी? Yeah, so उसानों कहने भी ये जरा कंडीशन आ एक समझो भी स्पेक्ट्रम आ जिधर कई बच्चे यहाँ द बहुत सीवियर आ कई यहाँ द मॉडरेट आ जिधर मॉडरेट बच्चे आ वो यू नो 15, 16, 17 साल दी लाइफ होंगी या तब कई है के माइल्ड जिधर माइल्ड केसेस 30s, 40s सो रियान द समझते भी सीवियर आ सो कोई 100% तो कह सकते नहीं एग्जैक्टली की होना पर ओके उन्होंने सानू दसते भी शायद हीयरिंग चल जानी या ओवर टाइम बच्चों की हीयरिंग कट जाती है सुन दा कट जाता ये अखा का दिसन का कट जाना ओवर टाइम ये शायद जिदा हुण तो प्रोग्रेस करता पर शायद यदा कभी हुण यू नो खड़े नहीं होंदा शायद इन्हें कभी खड़े नहीं होना खड़े करते तुरना नहीं हुण बोलता नहीं उदा जो कम्यूनीकेशन करता तो एक चीज़ मैं दसना ये बहुत चलाक है बहुत स्मार्ट बॉय राइट नाउ दी मेन प्रॉब्लम हैगी भी जिदा ये थोड़े मसल टोन एवं वीक है राइट थोड़ा छोटा भी आ ये जी जो बच्चों जो फूड खाते हैं ना यदा वेट सोना पाते नहीं ये भी डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो कई बच्चे फीडिंग ट्यूब च उन्होंने ला देंगे आ सो वो भी शायद इन जो ट्यूब की सर्जरी करनी पैनी स्टमक फीडिंग ट्यूब पानी पैनी शायद यू नो असी हुण जो खड़ा होंदा ते पैर पूरे सीधे नहीं होंदे सो असी एक ब्रेस लिया हुण असी इहदे ब्रेस पैर च पाउणा सो इहदा पैर थोड़ा भी सीधा हो जाए सो इदां दियां डिवाइसिस बहुत जिदा लोड आ भी इहनूं ओवर टाइम हैल्प कराउण तां यू नो वी डोंट नो एग्जैक्टली भी इहनूं की होना असी प्रे करदे हां कि शायद परमात्मा बंदे इहनूं घट सफरिंग होवे ते शायद असी इहदी तां ते असी फाइट करदे हां बहुत हार्ड भी यदि शायद ट्रीटमेंट इन टाइम से मिल सकती है बिकॉज जे जीन हल्दी छोटा है राइट सो जे अभी 2-3 साल जीन थैरेपी पा इन मिल सकती है तो इंजेक्शन देंगे या आईवी इदा डिलीवरी आ एक टाइम ट्रीटमेंट आ शायद ये सिम्पटम्स इंप्रूव हो चुके हैं शायद ये डिजीज स्टार्ट हो सकती है जी एक बहुत होप है साइंस इस चीज़ लिए कोई टाइमलाइन डॉक्टर्स तुहानू क्या है कि अगर इस समय तक किनू ट्रीटमेंट यहो जहाँ मिलता है कि होप ज़्यादा है इज देयर एनी काइंड ऑफ टाइमलाइन लाइक दैट जो तुसी साडे नाल शेयर कर सकते हो? That's a very good question. It depends on the disease. Obviously जिन्ना पहला बच्चे नू मिलदा बेटर आ पर सारी डिजीज़ां डिफरेंट आ तो एक जी ये डिजीज़ की थोड़ी डिफरेंट यूनीक क्वालिटी आ इज नॉर्मली जिदा होर डिजीज़ा बच्चे जिदा लाइन जिदा समझो भी एस पॉइंट से आ तो फिर थले हौली हौली जाते इस डिजीज़ च बच्चे कई बार थले जाते स्किल्स कई बार फिर मुड़के उपर आ जाते फिर कई बार थले जाते कई बार मुड़के उपर आ जाते सो यह मतलब कि थले सीधा थले नहीं जाता जनरेशन सो यह मतलब कि शायद होप हैगा के भी दे सकते हैं अच्छा जी यदि ट्रीटमेंट हो सकती है वाओ Oh my gosh. So once again, you know, हर एक औखे समय दे विच कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर निकलता है तो ये रिसर्च इनिशिएटिव इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज मैं एक होर छोटी जी ब्रेक ले इत्थे रुक रही हूँ ब्रेक तो बाद मैं व्यूअर्स दे नाल एक बारी फिर उन्होंने दसना चाहवांगी कि क्यों तो किस तरह वो इस इनिशिएटिव के नाल जुड़ के सपोर्ट कर सकते हैं कितने ना जाओ लाइव इसी तरह गल जारी रहेगी ब्रेक तो उस बार ब्रेक तो बाद सारे का एक बारी फिर स्वागत करते हैं तुसी वेख रहे हो अज दा मुद्दा अज बहुत ही मैं कहांगी दिल नू ठेस पहुँचाने वाला मुद्दा है मैनू आप नू बहुत सैड महसूस हो रहा है बट इस सैड टॉपिक दे विच इस स्टोरी दे विच भी एक पॉजिटिव एक सिल्वर लाइनिंग है जिस तरह कहते हैं गुरजोत कौर दे बेटे की गल हो रही है गुरजोत जी एक बार फिर प्रोग्राम दे विच तुहानू स्वागत करते हैं गुरजोत जी यू नो तुसी सानू सारा दस्या कि रियान दे नाल की कुछ होया तुहाडे परिवार दे नाल की कुछ होया पिछले कुछ महीनों दे विच पिछले 1.5 साल दे विच जिनी चेर ये तुहाडा बेटा तुहाडी जिंदगी च आया है गुरजोत जी मैं चाहांगी तुसी सानू थोड़ा जहा साडे उन व्यूअर्स लिए जिन्हां नू शायद ठेठ पंजाबी नहीं आंदी होए कुछ तुसी बहुत वधिया तरीके नाल पंजाबी सानू दस्सिया फॉर दोज फोक्स वाचिंग एट होम टेल अस व्हाट्स गोइंग ऑन विद रियान योर ईयर एंड अ हाफ ईयर ओल्ड बेबी एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग टू यू नो टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज इन दिस सिचुएशन. My son, Riaan Singh, is my first and only child. He's a beautiful little boy, and he was unfortunately diagnosed with a fatal and severe neurodegenerative genetic disease called Cockayne syndrome. It's a very rare disorder. It impacts only a few hundred children in the world. And we learned that the symptoms of the disease are quite awful. You know, he could potentially have vision and hearing loss. He could lose all of his abilities or never gain them, including the ability to sit or stand or walk. It impacts all body systems, including his liver, his kidneys. And we learned also that he was diagnosed with a severe type of the disease with an average life expectancy of 5 years. We were, of course, devastated and did not know what to do. We were told there were no treatments and there is no cure. So we spoke with a number of experts all around the world. We spoke with other parents of children with rare diseases who had launched organizations and very extraordinary research efforts to find and fund a cure. And we learned that actually there are treatments available. It's just that no one has funded the treatments or the research to develop these options because the diseases are so rare, and so there is not really sort of a economic benefit to developing them. We are actually working with the University of Massachusetts Medical School, the lab of Dr. Miguel Estevez, Dr. Terence Flatt, Dr. Reeta Batista. These are some of the top gene therapy experts in the world, and they are creating a gene therapy for Riaan and other children who have his mutation. And so the goal of that is that they would create a healthy gene, so a healthy gene, and put it inside of the children's bodies to replace the mutated gene, and hope that the healthy gene creates the protein that is lacking in Riaan and other children. Mm-hmm. However, to push forward this effort, we need to fund it. Most of these efforts are privately funded by organizations and foundations. So we launched an organization called Riaan Research Initiative. It's a nonprofit organization, and we are trying to raise the money to help develop the treatment. And we need to raise $1 million by December. Over time, you know, it's a few million, but our goal for this year is to raise $1 million by December, which is Riaan's second birthday. And the faster we raise the money, the faster we can fund the research, and the more we can get out of the research, and the faster we can develop a treatment. So we are asking for our community support to fund this treatment, to stand with us during our time of need and other children's time of need, and really sort of work with us to develop this, what we think could be a life-saving opportunity for our baby. And it is his best and only path. And without this, unfortunately, the disease is fatal and there are no other options. Thank you so much, Gurjot, for walking us through that. And once again, I want to reiterate for folks that website, if you want to go and support, is riaanresearch.org, R-I-A-A-N, research.org. And you can contact Gurjot, joe@riaanresearch.org. If you have any questions, tusi inni mehnat kar rahe ho, is mehnat da definitely full लगूगा. So and जिन्ने लोग की तोड़े नाल जुड़े हैं जिस तरह से कह रहे सी सारे पाठ कर दे तो अदले you know रियान ले so ज़रूर जो कुछ ना कुछ निकलेगा. I mean we're सी हुन you know प्रोग्राम दी समाप्ति करें मैं एक बारी फिर चाहनी सी अगर रियान आ सकता है सर नाल एक बारी फिर viewers नू रियान नू अपा दिखाइए your baby तोड़ा only son पहला मुंडा ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ $1 million ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ। हेलो रियान सिंह बहुत ही सोना मुंडा ही सो बेचारा थकिया भी होना है, कहना मम्मा तुसी मैनू तुसी हाँ जी तुसी मेरे बाला नाल खेड रहे हो। बेबी ही इज सो क्यूट। Riaan, say hi to Ashmeeta. Say hi to this. Say hi to the Sikh community. Sasikal. Ajiwa. What a beautiful baby. Thank you so much, Gurjot ji. तुहानू तुहाडे पूरे परिवार नू साडे सारेयां वल्लों ना कि सिर्फ साडी सपोर्ट है, साडी अरदास हैगी तुहाडे नाल। एंड यू नो वंस अगेन मैं व्यूअर्स नू इक बारी फिर दसना चाहंदी आं, जरूर गुरजोत कौर ते उन्हां दे परिवार, उन्हां दे बेटे रियान सिंह दी सपोर्ट करन। rianresearch.org ते अगर तुसी गुरजोत नाल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है JO@RIAAN research.org तुसी उन्हां नू ईमेल पा सकदे हो। Gurjot, thank you so much for joining us, sharing this story. मैं जानी सिर्फ एक चीज़ कहना चाहनी हाँ, मैं तुहानू ट्विटर ते फॉलो कर दी है। जो तुसी पहले दिन वो शेयर किया सी सारियां दे नाल पब्लिकली, दैट इज़ सच अ ब्रेव थिंग। एंड उहदे करके यू नो यू डोंट नो कौन कौन तुहाडे नाल जुड़िया होया है। हुण टाइम है उन सारियां नू तुहाडे नाल ओपनली आके जुड़ के सपोर्ट करन दा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड होपफुली तुसी इस कम दे विच, होपफुली नहीं सानू पता है कि तुसी इहदे विच सक्सेसफुल होना है, बिकॉज असीं तुहाडे सारे तुहाडे नाल खड़े आं। इहदे नाल ही प्रोग्राम दी समाप्ति करिए। थैंक यू सो मच गुरजोत। एनी लास्ट वर्ड्स before we close? Thank you so much Ashmeeta, and thank you so much to sare sanu hun as story watch karde ha assi bahut grateful hage, bahut aukhi situation a ta assi pehla bahut assi lagda si vi je sanu kalla sanu fark peinda, par tusi sari duniya di support, sari sangat di support assi sanu pata vi assi together Riaan di jaan save ho sakdi hai aur bacche di vi. So thank you so much. Thank you have a good rest of your night, and do be in touch with us koi bhi updates Riaan nu lake, is initiative nu lake zarur tusi wapas aake sanu dasso. Have a good rest of your night. Sat sri akal जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਰਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ rianresearch.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ July 1 ਨੂੰ उस एरिया दे विच उन्होंने July 1 दिन नू संत तेजा सिंह डे दा ऐलान दिता है। सो संत तेजा सिंह दे इस मैं कहांगी सैलीब्रेशन ते एप्रीशिएशन ते रैकग्निशन ते कल तुहाडे नाल एक स्पैशल प्रोग्राम पेश करांगे। अज दे प्रोग्राम नू लैके साडे लई कोई क्वेश्चनस कॉमेंट्स कंसर्नस या अगर तुसी गुरजोत दे नाल कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो साडे नाल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। info@justbroadcasting.com ashmeeta@justbroadcasting.com। हुण इजाज़त, सत श्री अकाल।